एक वायरस गया नहीं कि और एक दूसरा वायरस आ गया। ये चीज मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कही थी। तो रिसेंटली एक न्यूज के अकॉर्डिंग एक नया वायरस आया है जिस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस। तो इसके वजह से मंकी पॉक्स ये बीमारी हो रही है। मंकी पॉक्स आपने सुना होगा, आपने इससे पहले सुना होगा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे लीजन्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे कह लो कि काइंड ऑफ एक पिंपल्स होते हैं। तो वो हमारे पिंपल्स बेसिकली बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारे स्किन पर ऐसे बम्स आते हैं, बड़े बड़े ऐसे स्वेलिंग हमारे स्किन पर होती है, रैशेस होते हैं, हमारी स्किन पे खुजली आती है, और फिर वो जो बम्स है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा उसमें खुजली होती है और बाद में उसकी पपड़ी बन जाती है और वो हमारे स्किन से निकल जाते हैं। तो इसी बीमारी को कहा जाता है मंकी पॉक्स। तो ये बीमारी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा फैल रही है, बहुत ही अलग अलग कंट्रीज में ये इसके जो केसेस है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है, तो आखिर हम इस मंकी पॉक्स से कैसे बच सकते हैं, आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या, तो इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हैव वेलकम यूअर, दिस इज ऋषिकेश कुराड़े एंड यू आर वॉचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इसके बारे में जरूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप इस स्क्रीन पर अभी जो इमेजेस देख रहे हैं तो उसे कहा जाता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मतलब ये सिमिलरी कैटेगरी के वायरस है जिसकी वजह से बीमारी होती है। और बेसिकली ये जो वायरस है वो एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब ये है कि ये जो बीमारी है वो किसी जानवर से इंसानों में फैल रही है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी है कि अगर आपके घर में कोई पेट है, जैसे कि कोई भी कुत्ता बिल्ली, उससे भी ये वायरस आपके टूवर्ड स्प्रेड हो सकता है। लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन अभी ये कितने स्पीड से स्प्रेड होता है इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपके घर में कोई भी जानवर है तो आपके उस तो आपको उसकी कितनी तरह से केयर करनी चाहिए, आपको किस तरह से उस एनिमल को भी साफ रखना है और खुद को भी साफ रखना है, इसके बारे में आपको जरूर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब बात करते हैं इस वायरस की। तो बेसिकली ये जो वायरस है वो मैंने कहा कि सिमिलर टू हमारे जिस वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो उसी फैमिली का ये वायरस है। और इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद क्या होता है कि हमें फीवर आता है, हमें थका थका सा महसूस होता है, हमारे स्किन के ऊपर रेड बम्स आते हैं और बहुत ही सीवियर केसेस में इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है और पूरे स्किन पे मतलब हमारी पूरी बॉडी के ऊपर रेड रेड डॉट्स आते हैं। तो ये उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स है जिसके थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि हमें ये बीमारी हुई है या फिर नहीं। वैसे इसके मतलब ये स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ही कम है, और अगर हम इसे कंपेयर करें COVID-19 के साथ तो इसकी सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि COVID-19 की थी। तो इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जानवरों से फैलता है। तो जानवरों से आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना है, जानवरों की सलाइवा से, मतलब आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों को पेट बहुत ही ज्यादा पालना पसंद है, कुत्ते इंसानों को चाटते रहते हैं और लोगों को उसमें बहुत ही मजा आता है, और उसे जब लोगों को कुत्ते चाटते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम मान लें कि उसके चाटने से अगर आपको एक बीमारी हो जाए तो वो कितनी सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो पेट अगर आप पाल रहे हैं तो जरा ध्यान से और जरा संभाल के आपको उसकी सारी प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी आप एक पेट पाल रहे हो। लेकिन इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यही बताने के लिए ये पूरा वीडियो था। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक से एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।